Planet Bollywood. अक्षय के बॉडीगार्ड्स को आ गई तमीज। मीडिया को कैसे करना है हैंडल, इसकी अक्षय ने दी उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग। आप देख सकते हैं मुंबई एयरपोर्ट का ये नजारा, जहां अक्षय के बॉडीगार्ड्स कितने अच्छे से कर रहे हैं मीडिया पर्सन के साथ बिहेव। ये वही बॉडीगार्ड्स हैं जिन्होंने कई दिनों पहले जूम के कैमरे पर की थी बदसुलूकी। कैमरे में हाथ मत लगाओ सर। कैमरे में नहीं, लेकिन क्यों निकल रहा है? पुलिस वाले हो क्या? काम है हमारा, हम साहब के आदमी है। कैमरा देखते ही अक्षय के बॉडीगार्ड्स ने रिपोर्टर से शूट करने के लिए मना कर दिया था। कैमरे में हाथ मत लगाओ सर। कैमरे में नहीं, लेकिन क्यों निकल रहा है? पुलिस वाले हो क्या? काम है हमारा, हम साहब के आदमी है। इसके कुछ दिन पहले इन्हीं बॉडीगार्ड्स ने अक्षय के एक फैन पर भी उठा दिया था हाथ। Well, बॉडीगार्ड्स की इस बदतमीजी के लिए अक्षय कुमार को माफी भी मांगनी पड़ी थी। जो मेरे बॉडीगार्ड ने किया वो गलत था, वो मैंने उसके लिए माफी मांगी। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक्टर्स होते हैं, दे डोंट रियलाइज दे आर वॉकिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, और कभी कभी चोट आ सकती है। कई हीरोइनों के साथ मैंने देखा है बहुत सारी गलत गलत चीजें हो जाती हैं, एक्टर्स के साथ देखा है। So they are there to just take care of it. Yes, बिल्कुल हाथ उठाना गलत बात है, and that I have make sure that it doesn't happen again. लेकिन लगता है एक के बाद एक हो रहे इन incidents ने अक्षय को आखिर सबक सिखा ही दिया, और अपने bodyguards को उन्होंने लगा दी फटकार। शायद अक्षय नहीं चाहते थे कि आगे उनके bodyguards की किसी हरकत की वजह से फिर कोई बवाल हो, और ये इसी का नतीजा है कि कल जब अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म रोबो 2 की शूटिंग करके मुंबई लौटे और वहाँ मीडिया की भीड़ उन्हें कवर करने पहुँची, तो इस भीड़ में बॉडीगार्ड्स ने संभल संभल के रखा कदम। अक्षय और उनके बॉडीगार्ड्स सभी के साथ अच्छे से पेश आए और बिना किसी केओस के एयरपोर्ट से ले ली एग्जिट। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई।